किस जाति का? वो कौन है? जाट है। आपको पता है क्या? हाँ। देखो मुश्किल में पड़ जाओगे, ये बच्ची मर जाएगी, यहाँ जेल जाओगे बिना काम के। आप बैठो, आपको मरने के लिए मना करेंगे, आपको मरने के लिए चाहिए इसका। तिरंगे का चलो सर, तिरंगे का अपमान कर रहे हो आप, तिरंगे का अपमान हो रहा है यहाँ पे। देखो तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए, पहाड़े तिरंगे उपाड़ रहे हो, किन फिर शिकायत में? जय हिंद साथियों, अभी जो आप ये वीडियो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये वीडियो है जाखड़ों का बास, झुंझुनू जिले की एक छोटा सा गांव जाखड़ों का बास, जहां से एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी कि युवाओं को न्याय दिलाने के लिए सूर्य चक्र विजेता विकास जी जाखड़ जो पिछले 8 दिन से लगातार आमरण अनशन पर बैठे हैं, राजधानी में जहां से लड़ाई की शुरुआत की गई थी वहां पे इनको नहीं बैठने दिया गया, उसके बाद अपने गांव में आके बैठे, और आज जो देख रहे हैं उनके पोस्टर जो लगाए गए थे वो पुलिस के द्वारा फाड़े जा रहे हैं, और जो ग्रामवासियों को इस चीज़ में धमकाया जा रहा है कि वो शांति से ये सब चीज़ें कर रहे हैं, अगर वो नहीं मानेंगे तो उनके साथ में भी बदसलूकियाँ की जाएंगी। अब इसके बाद में एक बयान जो विकास जी ने जारी किया है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। विकास जी ने आज 8वें दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके युवाओं से आह्वान किया था कि आने वाली 26 जनवरी को सभी अपने ग्रामीण स्थल पे इस चीज़ का विरोध करेंगे और सांकेतिक रूप से धरना देंगे। 17 जनवरी से शुरू हुए आमरण अनशन में 5वें दिन है जो विकास जी की हालत सीरियस बता के उनको हॉस्पिटल में लाके एडमिट करवा दिया जाता है। उसके बाद उनके 2 साथी हैं जो आमरण अनशन पे लगातार जो आमरण अनशन कर रहे थे उनको भी आज पुलिस के द्वारा जबरदस्ती उठा के लाया गया है, और ग्रामवासियों के साथ में काफ़ी विरोध वहाँ पे हुआ है। किस जाति का? वो कौन है? जाट है। आपको पता है क्या? हाँ। देखो मुश्किल में पड़ जाओगे, ये बच्ची मर जाएगी, यहाँ जेल जाओगे बिना काम के। आप बैठो, आपको मरने के लिए मना करेंगे, आपको मरने के लिए बताओ पूरा कोविड प्रोटोकॉल बताओ, आप ये जो लोग हैं इनको ये क्यों बैठे हैं? नहीं, ये अनशन पे क्यों बैठे हैं? अरे आप ये बताओ, ये अनशन पे क्यों बैठे हैं? ये प्रोटेस्ट क्या कोई ये अनशन प्ले से आपने कोई स्वीकृति ली है? अगर इनकी कल को डेथ हो गई, जो लेडी है इसके इन लोगों ने गवर्नमेंट को आगाह किया है, आगाह करना अलग बात है, आप समझिए बात, इनको अगर जो बॉडी डॉक्टर ने मना किया है, आप एडवोकेट हैं, आपका नाम बताएं, अनुराग जी, अगर ये मर गई तो जिम्मेवार कौन होगा इसका? वो बात सही है, क्या सही बात है? वो क्या बात सही है? इसको खदेड़ना, ये टेंट नहीं होता, सुनिए बात, ये टेंट नहीं होता तो ये, अरे सुनिए, ये टेंट नहीं, अरे सुनो, ये टेंट नहीं होता तो ये यहाँ नहीं बैठते।
ये नहीं अपने आप अपने परिसर में जाके बैठो ना, आप बैठो ना, कौन मना कर साहब। आप समझिए बच्ची की हालत देखिए, बच्ची की हालत देखिए, तो बच्ची की हालत देखिए। आप इसको समझ, आप छोड़ो, आप इसको समझा, आप समझो मेरी बात, आप इसको समझा के हॉस्पिटल रवाना कर दीजिए। हम सहमत है ना, हमें कुछ नहीं, आप समझा के रवाना कर दीजिए हॉस्पिटल। आप इसको आपसे हम हाथ जोड़ रहे हैं कि इस बच्ची को आप एम्बुलेंस में भजन क्यों गा रहे हैं? भजन कोई परमिशन है? तो सर वो प्रोग्राम परमिशन है क्या भजन की? नहीं कोई कोविड प्रोटोकॉल नहीं हो रही, कोविड पर कोई पालना नहीं हो रही। किसको? हाँ अभी बिल्लो आपकी तैयार है सर, आप लोग नहीं, गलत बात, 40-50 तो आप हो गए। हम टेंट जब करके ले जा रहे हैं, आपको जो कहना कोर्ट में कहिए, ठीक है? जो कहना कोर्ट में। साथियों 6 जनवरी से हमारा आंदोलन, आप सबको पता है किस चीज़ के लिए आंदोलन हो रहा है, वो लगातार जारी है। और उस आंदोलन को उसी क्रम में हमने 17 जनवरी से
अपने गांव में हमने अनशन शुरू किया था, पूरा कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हम अपना अनशन कर रहे थे। पुलिस ज़बरदस्ती आई और प्रशासन 21 तारीख को मुझे ज़बरदस्ती यहां पर उठा कर लिया है हॉस्पिटल में। पुलिस का पहरा लगा रखा है 24 घंटे का मेरे पास में, जैसे कोई मैं जघन्य अपराधी हूं, बहुत बड़ा क्राइम किया मैंने। एक महिला है हमारी इमृता ढाका, उनको भी घींच के ज़बरदस्ती गाड़ी में डाल के और यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, तो वो उस घटना से काफ़ी सदमे में है। उनको रह रहे के दौरे आते हैं, यदि उनको कुछ हो गया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। हमारे यहाँ पे आने के बाद धरना अनशन जारी था। हमारे दो साथी सुमित शर्मा सीकर से और संजू लता मीणा सवाई माधो उसे अमन अनशन पे बैठे थे। तो आज पुलिस गई है, लगातार 3-4 दिन से पुलिस धमकी दे रही थी कि आप इस अनशन स्थल को उठवा लो वरना हम ये उखाड़ के फेंक देंगे। तो आज शांतिपूर्वक जागरण चल रहा था, अनशन पे बैठे थे, धरना पे जो स्टूडेंट हैं ग्रामीण लोग हैं वो बैठे थे। पुलिस आज आती है, ज़बरदस्ती जो हमारे स्टूडेंट हैं इनको उठा लाती है वहाँ से और तंबुओं को उखाड़ के फेंक देती है, धक्का मुक्की करती है ग्रामीणों के साथ में, महिलाओं के साथ में बदसलूकी करती है। तो मैं ये कहता हूँ कि लोकतंत्र कहाँ रह गया लोकतंत्र, कम से कम अपनी आवाज़ रखने का भी हक हमको ना हो तो हम तो 200 साल पीछे चले गए फिर अंग्रेज़ों में उस ज़माने में और आज के इस दौर में क्या फ़र्क है। 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था और अभी 26 जनवरी आने वाली है परसों। हम मानते हैं कि लोकतंत्र एक सही मायने में देश लोकतांत्रिक देश बना था भारत। आज जो हम फील कर रहे हैं हमको कहीं से लोकतांत्रिक नहीं नज़र आ रहा है। इस सरकार में तो पूरा दमन किया जा रहा है हमारा, तानाशाही सरकार जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, जो भी उनसे सवाल करता है उसको कुचलने का और दमन करने का ही काम कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अब आवाज़ नहीं उठाएंगे हम लोग तो आप फिर कई सालों फिर आप भूल जाइए,